तो यार फाइनली हम लोग नेपाल में एंटर कर लिए। ये जो दिख रहा है आपको बॉर्डर है, और उस साइड वाला इंडिया बॉर्डर है, और इधर वाला ये है नेपाल साइड। हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पे। तो यार आज से अपनी जर्नी फाइनली स्टार्ट हो गई है। बहुत दिनों बाद हम लोग चल रहे हैं नेपाल। मैं जा रहा हूँ और साथ में जा रहा है राजेंद्र। कोटा कल रात को ही आ गया था मैं। अब आज यहाँ से दिन से ट्रेन है हमारी गोरखपुर के लिए। गोरखपुर से फिर हम बस से जाएंगे और लैंड बॉर्डर क्रॉस कर लेंगे। तो स्टेशन ये है कोटा का। सेवन में बैठ, अकेले हो ना? दो आए हैं। सेवन में सात नंबर में बैठो ठीक। तो यार एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई थी हमारे साथ में। हुआ ऐसे कि हमने टिकट बुक कराया तो उस टाइम पे 10-15 या 20 के करीबन वेटिंग थी। तो हमको लगा क्लियर हो जाएगी, फिर कल मैसेज आया कि वेटिंग में एक और दो नंबर है। हमने ध्यान दिया नहीं, जबकि अभी क्या होता है कि कोविड की वजह से कि वेटिंग में देते ही नहीं है, कैंसिल कर देते हैं टिकट को। यहाँ पे आगे पता चला कि टिकट ही कैंसिल हो गया। जो कोच हमारे कोच साहब के साथ के यहीं जो शिष्य थे वो यहीं पर थे, तो उनसे बात हो गई तो उन्होंने टीटी से बोल के अब करवाया है टिकट। तो अभी आगे जाके मिल जाएगा, अभी S7 में जाने के लिए बोला है। तो यार हम लोग ट्रेन में बैठ गए हैं, सीट हमको मिली नहीं है। हम काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए थे वहाँ पर। टीटी से जब हम लोगों ने बात की थी कि हमने सोचा कि सीट मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और नहीं मिली। तो हम बस एक सीट है, ये टीटी की सीट है, वो थोड़ी बहुत जानकारी तुमने बोला तुम हमारी सीट पर जाके बैठ जाओ, लेकिन यहाँ पहले से ही कोई बैठा हुआ था, उनको उठा भी नहीं सकते थे। तो यहीं पर एडजस्ट हुए हम, इस तरीके से जा रहे हैं। 22 घंटे का सफ़र है, यहाँ से गोरखपुर जाके हमको उतरना है, और इस तरीके से बैठे हुए हैं ऐसे। ये हालात है। उधर देखो बाथरूम के पास लोगों ने भीड़ लगा रखी है। मतलब अगर आपकी सीट कंफर्म नहीं है ना तो कुछ भी नहीं है फिर। फिर बहुत परेशानी के साथ गुजरेगा आपका सफ़र। तो यार फिलहाल हम लोग पहुंच गए हैं आगरा। ये आगरा स्टेशन है, यहाँ पे कुछ खाने पीने का सामान लेने के लिए रुके हैं। तो देखता हूँ मैं कुछ मिल जाता है तो। वैसे तो पराठे हैं हमारे पास, तो नमकीन ले रहा हूँ। अगर सब्ज़ी मिल जाती है तो सब्ज़ी भी ले लेंगे, काम चल जाएगा। यार ये नमकीन दे दो ना, वो बीकानेरी भुजिया। हाँ तो यार मैं ज़्यादा कुछ ले नहीं रहा क्योंकि पराठे हैं, नमकीन से काम चल जाएगा। बहुत भीड़ है यहाँ पे यार, हमको सीट भी नहीं मिली। पूरी कहानी बताऊँगा मैं, या तो कोच के अंदर या फिर कहीं रुक के। क्या स्यापा हो गया, बहुत तगड़ा वाला ही। टिकट कैंसिल हो गई, बनवाई, पेनल्टी लगाई, बहुत गड़बड़ियाँ हो गई। तो यार मॉर्निंग हो गई है, सुबह उठ गए, रात को ऐसे ही सोए इसके ऊपर। एक उधर मुंह किया, एक इधर मुंह किया। अभी चलो बड़े भाई आ गया, अहमदाबाद से हमने ये छोले चावल अभी बेचने वाला आया था। वो भूख लग रही थी यार, 10 से भी ज़्यादा टाइम हो गया, 10:45 हो गए, तो भूख लग रही लगी। तो हमने सोचा ले लेते हैं जो भी मिल रहा है। तो ये है, एक ले लिया, अगर टेस्ट लगा तो एक और ले लेंगे। अब पूरी ट्रेन खाली है, खास ऐसी खाली रात को भी होती। मजा आ जाता। तो यार गोरखपुर तो हम पहुंच गए, ये गोरखपुर का स्टेशन है। अब यहाँ से हमको बस लेनी है, एक जगह है सनोली, शायद सनोली, या फिर मैं कागज़ में देख के बताऊँगा, मैंने लिखा हुआ है पूरा रोड मैप लास्ट। तो यहाँ से 120 किलोमीटर आई थिंक वो जगह जहाँ पर नेपाल बॉर्डर है। Thank you.
तो यार ये है गोरखपुर के बाहर का नज़ारा, रेलवे स्टेशन का। सनोली के लिए वहाँ से जा रही थी, कहाँ से? वो बोल रहे थे सनोली। हाँ तो उसमें बैठ लेंगे ऑटो में सनोली के लिए अपन। हाँ कितने कितने लोग जाते हैं टैक्सी में? 350 रुपये में चार लोग बैठेंगे। डिजायर गाड़ी है, बॉर्डर उस पार छोड़ेगा। बॉर्डर क्रॉस करा दोगे? हाँ बॉर्डर ही क्रॉस करा दोगे। बॉर्डर उस पार छोड़ेंगे नेपाल पार्किंग में ले आके अंदर छोड़ेंगे। तो वहाँ पर सिक्योरिटी वगैरह रोकती नहीं है या आगे मिलती है? नहीं वहाँ पर रोकते हैं लोग, पुलिस वाले भी रहते हैं, SSB भी रहती है। हाँ तो SSB का बोलेंगे स्टाफ है। तो यार हमने ये टैक्सी ले लिए 350 रुपये में बस के बजाय। एक जने के लिए क्या है आ जाएगा सामान इसमें तो एक बार इसको पकड़। लैपटॉप है वो पीछे जंप में टूट जाए वो इसलिए। चाय पीते जाइए, हिलेगा नहीं सर। अच्छा तो यार ये डिज़ायर है, इसके अंदर हमको मिल गई है सीट। बस की बजाय हमने ये लेना पसंद किया। आगे की डिटेल्स देते हैं आगे रुक के। भाई सुनो ले। अगर यार ये अपन को 1.5 घंटे में पहुंचा देते हैं तो फिर तो बहुत सही है, क्योंकि बस तो वही घंटे तो नहीं सर, 2 घंटे के अंदर तो पहुंच। आधा घंटा तो बढ़ाया आपने, टाइम मत कर देना। क्योंकि तुम लोग काठमांडू पहुंचते हो तो रात हो जाएगा। सुनो ले। काठमांडू वहाँ से कितना घंटा लगता है? रात हो जाएगा जो पहुँचते मेरे को पहुँचते शाम हो जाएगा। तो यार यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग रहा था तो हमने सोचा छोले भटूरे खा लेते हैं, भूख लग रही है। खाएंगे ना? हाँ हमारी कार भाग जाए। सारा सामान उसी में। इधर ही बैठ जाते हैं ना यार, अंदर खा जाएंगे। ले आओ फटाफट। एक प्लेट में लिया भाई तू तो। ये आ गए भाई हमारे छोले भटूरे। हां दे दो चम्मच। क्या ये भाई जो छोले भटूरे बना रहा है खुश हो गया। वो बोल रहा है कि फोटो खींच रहा है, बस होने वाला है। आ जाओ भाई छोले भटूरे खा लो गोरखपुर के। टेस्ट बताते हैं आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, अच्छा है, बढ़िया है। वैसे भूख में सभी बढ़िया लगता है। ये हो गया हमारा नाश्ता, दो दो भटूरे दोनों ने खा लिए, 60 रुपए के भटूरे। चलो ड्राइवर साहब मिल गई सवारी। चलो। अब तो पहुंच ही जाएंगे 2 घंटे में। गोरखपुर रेलवे स्टेशन, बाय बाय। कितने दिन बाद आएंगे? जो आपने देखा अभी साइड में जितने भी ट्रक वगैरह खड़े हुए हैं ये सब सामान जा रहा है इंडिया से। इधर भी खड़ा हुआ है ये देखो, इधर तो आ रहा है शायद, उधर से जा रहा है यार। ये जो सर हैं ये नेपाल से ही है बता रहे हैं, सब इंडिया से ही जाता है जितना भी वहाँ पे सामान आता है। सुई से लेके बड़ी से बड़ी चीज़, छोटी से छोटी चीज़ से बड़ी से बड़ी, मतलब मोस्टली चीज़ें इंडिया से ही एक्सपोर्ट होती है, वहाँ पे इंपोर्ट होती है। तो यार फिलहाल हम लोग सनोली में हैं, ये सनोली का मार्केट है जो चल रहा है। यहाँ पर राइट रॉन्ग कुछ भी नहीं है, ट्रैफिक ऐसे चल रहा है। इधर भी उसकी वाट लगी हुई है, यहाँ लेफ्ट वाले राइट से आ रहे हैं, राइट वाले लेफ्ट से जा रहे हैं, सब घिच पिच है। अब सामने ट्रक आ गया है। अब ये देखो ट्रक देखो यहाँ पे ये आ गया। उधर से भी जा रहा है ट्रक, तो सही दिशा में था अपने हम गलत थे। अब यहाँ से कितना 1-2 किलोमीटर होगा बॉर्डर? नहीं बॉर्डर आ गया, बॉर्डर ही आ गया। अरे 100 मीटर 100 मीटर ये आ गया, इंडिया साइड है। क्या हुआ भारत पहुंच गए? कहां ले चलेंगे आप? आप तो कह रहे थे बॉर्डर क्रॉस करा के उधर छोड़ दो। कौन सा क्रॉस होगा? अच्छा कौन सा सर?
आप जाएंगे उधर? आप वहाँ जाएंगे ना, बस से जाएंगे ना? हाँ बस उस पार मिलेगा। अच्छा अच्छा, नहीं इनको बोल रहे थे ना आप एयरपोर्ट पे छोड़ देंगे इनको, तो एयरपोर्ट वालों का तजाबे करेगा। तो उधर तो चलो, हम उधर उतर जाएंगे ना, आगे रुकेंगे नहीं ना। आपको जहाँ बस रुकेगा और टैक्सी वाले रुकने के लिए इनको एयरपोर्ट ले जाइए भाई, आगे उधर छोड़ देना ना हमारे को। आपको एयरपोर्ट तक छोड़ देगा लुम्बिन जाने के लिए, वहीं वहाँ से बस मिलेगी एयरपोर्ट। इनको भी एयरपोर्ट छोड़ देना, लुम्बिन ही जाना हमारे को, एयरपोर्ट छोड़ दो, एयरपोर्ट छोड़ देना, हम लोग भी नहीं जाएंगे ना। आपको वहाँ टैक्सी यहाँ सस्ता मिलेगी, यहाँ मार्केट वाली से टैक्सी, वहाँ एयरपोर्ट का फिक्स रेट लेंगे, एयरपोर्ट के बाहर मिल जाएगा, मैं चढ़ा दूंगा ना इनको, मैं उधर भेज दूंगा। एक्स्ट्रा पैसा कितना मांगेगा ये पूछना पड़ेगा। नहीं नहीं क्या, चलो बोलेगा नीचे का। कहाँ से आ रहे हैं भाई साहब आप लोग? अभी गोरखपुर से आ रहे हैं। गोरखपुर डिक्की में क्या डिक्की खोली है सर? बैग है सर। तो यार फाइनली हम लोग नेपाल में एंटर कर लिए। ये जो दिख रहा है आपको बॉर्डर है, और उस साइड वाला इंडिया बॉर्डर है, और इधर वाला ये है नेपाल साइड। अब हम लोग यहाँ से टैक्सी का कर रहे हैं बंदोबस्त। प्लान हमारा फेल हो गया, वो वाला काठमांडू जाने वाला। अभी हम जा रहे हैं लुम्बिनी। तो लुम्बिनी आपने सुना होगा, लुम्बिनी के बारे में सब लोग जानते हैं। महात्मा गौतम बुद्ध का जो जन्म स्थान है वो लुम्बिनी है, तो वहीं पे होटल रहेंगे और आज लुम्बिनी को एक्सप्लोर करते हैं। तो यार बड़ा ही इजी सा था, मतलब जो इंडिया साइड वाले थे SSB वाले, उन्होंने तो हमारी टैक्सी रोकी और सामान चेक करवाया, लेकिन नेपाल साइड में तो किसी ने भी नहीं रोका और कुछ पूछा भी नहीं किसी ने भी। बड़ा ही इजी एक्सेस हो गया ये तो, बहुत आसानी से हम गुजर गए। तो यार यहाँ से लुम्बिनी है 26 किलोमीटर और पोखरा है 180 किलोमीटर, और 180 किलोमीटर के आसपास ही है यहाँ से काठमांडू। हाँ 28 लगती है। तो जो बांगी के बॉर्डर है वहाँ पे ज़्यादा पूछताछ करते हैं? हाँ, तो बंगाल वाले में बहुत तकलीफ देते हैं हम लोगों को भी। तो मतलब ये इंडिया और नेपाल के लिए सबसे ईजी, हाँ सबसे बेहतरीन। बढ़िया है, जिसको भी आना है नेपाल इसी से आओ भाई, लैंड बॉर्डर क्रॉस करना है तो बहुत ईजी है एकदम, क्या बोलते हैं स्मूथ, कोई कुछ पूछता नहीं है। तो भाई टेम्पो ले लिया हमने, और ये टेम्पो हमें छोड़ेगा बुद्धा चौक। बुद्धा चौक से हमको बस लेनी है या कुछ और? बस वहाँ से बस, और वो भाई साहब को पहुँचा देगी एयरपोर्ट, और वहाँ से थोड़ा सा दूर है लुम्बिनी, तो हम वहाँ से लुम्बिनी उतर जाएंगे। तो ये भैया अभी आपने जो लिया है नेपाली 50 रुपया लिया है इंडिया का? नेपाली नेपाली 50। अच्छा ठीक है। तो यार हम यहाँ पर बुद्धा चौक पहुँच गए हैं, ये इसको बोलते हैं बुद्धा चौक, और यहाँ पर है सामने लुम्बिनी गेट। अब यहाँ से हमको दूसरी बस लेनी है, जब ये जाएगी दूसरी आ जाएगी। अच्छा इसी तरीके की बस में बैठना है अपन को? हाँ लुम्बिनी आप हमको टैक्सी का किराया पड़ा 50 रुपये नेपाली, तीन जनों का 150 रुपये नेपाली, मतलब इंडिया का 100 रुपया 100 रुपये से थोड़ा सा ज़्यादा कम। तो भाई ये लुम्बिनी की बस हमको मिल गई, और आगे ही बैठ जाते हैं और क्या है ना, यहाँ बैग रख लेंगे। नहीं लिखा लेडीज। तो यार आज सफ़र कर रहे हैं हम नेपाल की लोकल बस में, फुल भर के जाएगी ये भी हमारे साथ, एक चोट हो चुकी है। बहुत दिनों बाद मैं बस में बैठा हूँ, इससे मतलब बस में मेरे को बैठे हुए पता नहीं कब बैठा था मैं, इससे पहले मैं बस में बैठा था शायद दुबई में, दुबई की बस में, इंडिया की बस में बैठा ही नहीं पिछले 2 साल से। तो चोट हो गई बता दी। चोट तो बहुत बड़ी वाली हो गई है, बस देख लो इस AC बस में।
यहाँ पे यार मतलब व्हीकल है ना बिल्कुल ऐसा लग रहा है बिल्कुल इंडिया वाले व्हीकल है सारे, एक भी व्हीकल ऐसा नहीं है जो इंडिया में नहीं चलता हो, सारे के सारे व्हीकल वही है, बस नंबर प्लेट थोड़ी सी अलग है, नंबर प्लेट हमें पहचान में नहीं आएगी। देखो ये गाड़ी जा रही है इसका नंबर प्लेट पहचान है, नहीं पहचान पाओगे। तो यार ये जो बस गई है इसके अंदर हम आए हैं बुद्धा चौक से लुम्बिनी तक, लुम्बिनी का जो मार्केट है शायद पीछे रह गया, हमको एक लेडी मिली थी बस में, पहले जो प्रोफेसर थे जो जिन्होंने हमको पूरा गाइड किया अभी तक यहाँ तक, तो उन्हीं के साथ साथ बातें करने लगी थी वो लेडी, तो उन्होंने बताया कि उनके किसी अंकल का यहाँ पे गेस्ट हाउस है जो गौतम बुद्ध देव जी का जो मंदिर है या जहाँ पे वो स्थान है जहाँ पे दर्शन करने हैं वहाँ से पास में ही है, तो ये वाला बताया है। अब यार थोड़ा सा मिस्टेक ये लग रहा है मुझे कि हमने मार्केट छोड़ दिया है, नेपाली सिम हमारे पास है नहीं तो हमको मार्केट जाना पड़ेगा, पैदल पैदल डोलना पड़ेगा। बाकी देखते हैं अंदर का प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। ये वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, आगे का जो लुम्बिनी का पूरा है वो एक सेपरेट वीडियो में आएगा। अगर वीडियो आपको ठीक लग रही है, नेपाल सीरीज़ मतलब आज से स्टार्ट हुई है, तो बस बने रहिए हमारे साथ में और लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय 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 बाय।